नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 15 ट्रू फैक्ट्स पर। आज हम आपको बॉलीवुड के सबसे दिलचस्प और खतरनाक विलन अमरीश पुरी जी की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसा चेहरा जिसकी एक झलक से ही लोग डर जाते थे, लेकिन उनकी आवाज और अभिनय ने लाखों दिलों को जीता। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं को। अमरीश पुरी का जन्म 1932 में हुआ था। शुरुआत से ही उन्होंने थिएटर में अभिनय किया, पर उनका सपना था बड़े पर्दे पर चमकने का। वो कई ऑडिशन में रिजेक्ट हुए, लेकिन इसने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया। आखिरकार 40 साल की अधेड़ उम्र में उन्हें बॉलीवुड में ब्रेक मिला। सोचिए, इतनी उम्र में भी उनके अंदर गजब का जुनून था, जो कि कम ही नहीं हुआ था। फिर आया वो वक्त जब अमरीश पुरी को विलन का रोल मिला और उन्होंने इसे ऐसा निभाया कि लोग उनके डायलॉग्स भूल ही नहीं पाए। मोगैम्बो खुश हुआ, ये सिर्फ डायलॉग ही नहीं बल्कि उनका अंदाज बन गया। जब भी वो पर्दे पर आते, पूरी फिल्म का माहौल ही बदल जाता। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े पर्दे का खतरनाक विलन असल जिंदगी में एक सादगी पसंद इंसान थे। अमरीश पुरी जी ने अपना पूरा जीवन बहुत ही साधारण तरीके से जिया। वे अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे और हर रविवार को अपने बच्चों के साथ समय बिताते थे। जितना डरावना उनका किरदार था, असल में वो उतने ही प्यारे इंसान थे। अमरीश पुरी ने न केवल बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने फिल्म इंडियाना जोन्स द टेम्पल ऑफ डूम में भी विलन का रोल निभाया। विदेशी दर्शक भी उनकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह गए। तो दोस्तों, अमरीश पुरी जैसे कलाकार कभी भुलाए नहीं जा सकते। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके डायलॉग्स और उनकी फिल्मों में उनका अंदाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। इस महान कलाकार को हमारी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 15 ट्रू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कराना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि अमरीश पुरी का वो कौन सा रोल आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।